तो मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया जल्दी आ जाओ, कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो ये बस आके बाइक खड़ी करके अंदर कुर्सी पे बैठे ही हैं। इतने में एक वेदांत शुक्ला करके लड़का आया, ये 2-3 साल से मेरी बेटी को बहुत छेड़खानी करता है। अभी पेपर चल रहे हैं, 5-6 दिन से ये बहुत छेड़ रहा है। तो उसको ये बोला कि तुम इसको क्यों ऐसा करते हो, बस ये आके बैठे ही हैं। और बस वो वेदांत शुक्ला बोला कि मम्मी बुला रही हैं, बस ये बाहर निकले हैं। जैसे ही बाहर निकले हैं और पीछे से ये फेस वॉल पे डंडा लेके एकदम दौड़ा। भैया बोले पैदल चलो, तो भैया बोले नहीं बाइक से चल रहे थे, बाइक से गए। बाइक से जैसे ही गए तो पीछे से बहुत डंडे ही डंडे मारे, वेदांत ने मारे, वेदांत शुक्ला की माँ ने मारे, इसके पिताजी ने, मामा ने, नाना ने, और कॉलोनी के करीब 15-20 लड़के थे। गुड्डू ठाकुर है, राजेश पटेल है, जित्तू पटेल है, और भी मतलब बहुत से लड़के थे। कौन सी कॉलोनी की घटना है? ये सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, और बेवजह के ही मारा है, वही भी नहीं है। अभी हमको बोला है, बोले शर्मा तू बहुत ज़्यादा वो उखड़ रही है, तेरे को मार डालेंगे, तेरे घर में मट्टी का तेल डाल देंगे। मेरी बेटी को बोला कि पिछले साल तूने मेरी रिपोर्ट किए थे, इस साल मैं तेरे से बदला लूँगा। तो हाथ में वो ब्लेड लिए था, और इसने क्या किया, जैसे ही वो अंदर पड़ रही थी, अंदर घुसा है और इसके सामने सीने में लगाया, और ये खूब जोश चिल्लाई मम्मी अंकल बचाओ, ये बाथरूम की तरफ घसीट के ले गया। जैसे मम्मी अंकल बोला, ये दौड़ लगा के भागा है, और दौड़ लगा के भागा और बोलने लगा मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे, तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे। कॉलोनी के सभी लोग हैं इस तरीके से, जो सब अनाप शनाप करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं आमने सामने के लोग, हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो ये कॉलोनी के लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ये दारू खोर हैं, कॉलोनी से कृपा करके इनको हटाया जावे या मना किया जावे, क्योंकि हम लोग कभी किसी के दरवाजे में रिपोर्ट डलवाई थी। मैंने थाने में रिपोर्ट डलाई, पिछले साल भी उस लड़के की रिपोर्ट डलाई थी, आधा साल थाना लगता है। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, करते हैं कार्रवाई, आते हैं चले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं सामने वाली पार्टी से, बस इसी तरीके से कर रहे हैं। हम माँ बेटी अकेले रहते हैं, हमारे पति भी बहुत दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हैं कॉलोनी में, तो हमारे पति के कारण सारे लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो कृपा करके हमारे पति को भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इनसे भी अभी 8 दिन पहले 1000 रुपये पुलिस लेके गई है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, रात में 2 बजे 2:30 बजे SP से बात करते, IG को बात करते हैं, और जाते हैं सब कार्रवाई करते हैं, बस 155 151, इसके सिवा कुछ नहीं। हम भी 54 साल की महिला हैं, ब्लड प्रेशर मरीज हैं, कहाँ तक कि हम भी इस तरीके से सहते रहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम श्रीमती प्रभा शर्मा है।